उत्तर प्रदेश के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव मटेना में दर्जन भर हथियार बंद लोगों ने घर में घुसकर ग्रामीण को जबरन उठाकर ले गए। अपने घर में बंद कर जमकर की पिटाई। बेटी शालू मदद के लिए चिल्लाती रही, नहीं आया कोई भी मदद के लिए। ग्रामीण को इस कदर दबंगों ने पीटा कि उसके दोनों हाथ पैर तोड़ दिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को CHC में कराया भर्ती, जहां से नाजुक हालत में मेरठ फायर सेंटर रिफर कर दिया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। मामला कोतवाली क्षेत्र के गांव मटेना का है। करीब 55 वर्षीय अशोक शर्मा शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे अपने घर पर बेटी शालू शर्मा के साथ चाय पी रहे थे। इसी दौरान गांव का विनेश गुर्जर, भाई रामपाल व भतीजे तथा कई अन्य लोगों के संग घर आधम का। शालू शर्मा के मुताबिक उत लोगों ने आते ही मारपीट शुरू कर दी। पिताजी को घसीटते हुए कुछ ही दूरी पर विनेश के घर में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई की। गांव में अफरातफरी मच गई। दहशत के लिए आरोपियों ने हवाई फायरिंग भी की। बाद में मरणासन हालत में अशोक शर्मा को घर से बाहर फेंक दिया। बेटी शालू की सूचना के आधा घंटा बाद मौके पर पहुंची UP-100 ने घायल को CHC हसनपुर में भर्ती कराया। चिकित्सक अमित गौतम के मुताबिक अशोक शर्मा के दोनों पैर व हाथ जगह जगह से टूट गए हैं। नाजुक हालत के मद्देनजर हायर सेंटर रिफर कर दिया है। कोतवाल संजय प्रताप सिंह ने बताया कि शालू की तहरीर के आधार पर विनेश गुर्जर व रामपाल गुर्जर पुत्र गण प्रीतम, जोगेंद्र पुत्र रामपाल निवासी मटेना व चत्रु खड़गवंशी पुत्र राम सिंह निवासी गंगा चोली में लख, विनेश की पत्नी व 5 से 6 अज्ञात के खिलाफ अपहरण, बलवा व कातिलाना हमले आदि में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को दबिश दी जा रही है। क्या हुआ है? घर में से मैं चाय लेकर आई, इतने में वो 5-6 दिन बाहर के थे। विनेश, चतुर, रामपाल, जोगिंदर, ये सारे पापू खींच चले। मैंने कोशिश करी छुटाने की, तो मेरे ऐसे हाथ से खींच कर चली जाओ, गाल गंदी गंदी गाली तो राय फलती, पेटी बांध रखी थी कस्तूरों की। किसने बांध रखी? उसने, वो क्या नाम है उसका, विनेश। फिर क्या हुआ? फिर खींच के ले गए बहुत गल में। मेरे पापा ने, तू हट से चली जा, यानी वो बहुत बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ भी। फिर मेरी माँ भी गई दूर तक, तो उसे गाली देकर फेंक के चले गए। तो घर में गेट बंद करके बचाया कोई और फायरिंग की। आपने क्या कहा था उससे? मैंने कहा था सर ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया और गांव में जल्दी से चले जाओ, तो उन्होंने ये कहा कि गाड़ी खाली नहीं है, 100 नंबर को कॉल करो। क्या नाम है आपका? विकास शर्मा। अच्छा, किसे फोन करा था आपने? राठी दरोगा जी को। खुद बात हुई है, नंबर है सामने, बात करो। फोन नंबर है उनका। ये जो आज घटना हुई है, इसमें अशोक शर्मा जो पंडित जी हैं, उसका विनेश एक गुर्जर है, करीब 30-40 गज के अंतर पर दोनों का घर है, और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज करा रखे पहले से ही, और पिछले 2.5 या 3 महीने से लगातार दोनों में कसीदगी चल रही है। और आज भी विनेश गुर्जर ने चतुरु एक आदमी है जो दूसरे गांव का है, उसको लेके, और 3-4 आदमी और थे उनको लेके, पंडित जी को, अशोक शर्मा जी को उनके घर से खींच के अपने घर में ले गया, और घर में ले आकर फिर डंडों से उसके हाथ पैर में बहुत पिटाई की है, और वहाँ थोड़ा खून भी पड़ा हुआ है। और बाद में सूचना पुलिस पहुंच गई थी, पुलिस ने उनकी फर्स्ट एड करा दी है। मुकदमा जैसा तहरीर मिली, मुकदमा कायम कर लिया गया है, आगे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, जैसे परिजनों का कहना है कि फायर भी हुए, उसमें आपका क्या कहना है? मतलब फायर तो मैं गांव में होकर आया हूँ, तो वो जो फायर का कोई कार्टेज नहीं मिला, और हमें कोई कार्टेज मिला नहीं है फायर का, और जो चोट लगी है वो भी सब डंडों से पैर टूटे हैं। समर इंडिया के लिए हसनपुर से सूरज पाल सिंह की रिपोर्ट।